आज मतलब समाज ने हमारे गांव ने हमारे गुमिती बनाए, हमारे पटेल बा बनाए, और वो पटेल बा और वो गुमिती बा आज कांग्रेस का बन के बैठे और बीजेपी का बन के बैठे। क्या उनको गुमिती और पटेल बा कांग्रेस की गुलामी करना ही करके बनाया था, बीजेपी की गुलामी करके ही बनाया था? ये जो हमारे गांव में पटेल बा और हमारे गांव में जो गुमिती बना रहे, कोई अभी नहीं बना रहा, हमारे पूर्वज पहले से बनाते आ रहे थे, हमारे बाप दादा ने, ये हमारी व्यवस्था है, लंबे समय से हमारे लोग इस व्यवस्था के तहत आ रहे। लेकिन आज आजाद भारत में हमारे गुमिती कहते हैं हम तो प्योर बीजेपी के हैं, तो बीजेपी वालों ने बनाया, समाज ने बनाया उनको गुमिती। किसने बनाया उनको गुमिती? समाज ने बनाया, गांव ने बनाया, और आज कह रहे हम तो उनके हैं। हमें समझने की जरूरत है कि वर्तमान में हो क्या रहा है, देश के अंदर क्या चल रहा है। पूरे देश के जितने सरकारी संस्था थे, देश की जो संपत्ति थी, जितने हॉस्पिटल है, कॉलेज है, रेलवे है, देश की जो जमीन है, उन जमीनों को ये बीजेपी सरकार बेच रही है, साथ में कांग्रेस का भी हाथ है। मध्य प्रदेश के अंदर 13,000 एकड़ जमीन, वन विभाग की जमीन अडानी अंबानी को दे दी 30 साल के लीज पे। हमारा लसाड़िया में आज बैठे हुए वन विभाग पे, पग माते पग नागिन होता है, माते बीजेपी ने झंडो लगाड़ी बैठा है, और वो मोदी बैठा बैठा बीजेपी वाली ऐसा कानून बना रहा है कि वन विभाग से लोगों को बाहर निकालने का, और हम इधर झंडा लगा के बैठे हुए। मतलब हम खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम आज नहीं जगे, हमारे उम्मीदवार ने बताया, थावरचंद भाई ने, उन्होंने आरक्षण की बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज हमारे लिए जमीन निकाल के गए, हमारे लिए जमीन वाली आना बाद वन विभाग, हमारे पूर्वज पहले आए कि वन विभाग पहले आया? हमारे यहाँ पर हमारे बाप दादा पहले आए कि बाप ये वन विभाग पहले आया? बाप दादा पहले आए, हमारे बाप दादा ने अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, लड़ झगड़ के जमीने रखी, और हमें पेप ना तो पेप ना की मुहिम ने बीजेपी ने झंडा लगाड़ी, ने जमीन को खत्म करने वाली पार्टी को वोट देना है। देश के अंदर कानून बन रहा है, भूमि अधिकरण बिल, अधिग्रहण मतलब लेना, देश के अंदर हमारे जितनी ये जो जमीनें पड़ी है, उन सारी जमीनों को भले पड़ा थे बिना नामे चारागा है, उन जमीनों को हड़पने का कानून बन रहा है देश के अंदर। आज देख लो क्या स्थिति बनी हुई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। हमारे भाई लसड़िया के उदयपुर में नाके पे जाते नहीं जाते हैं? जाते हैं। गुजरात काम पे जाते नहीं जाते हैं? जाते नहीं जाते हैं? जाते हैं। हमारा भाई उदयपुर के नाके पे जाके खड़ा है, गुजरात में जाके नाके पे खड़ा रहता है, और नाके पे जाके पीछे फिर वो आते हैं सेठ जी कितना लिएगा पीछे, कितना लेगा? हमारे भाई कहेगा दाड़ा दिन किसी 300 रुपए साले को दे देना, फिर वो कहता नहीं 200 में आना मत बात कर। हमारा भाई फिर वो 200 में सोचता है मैं 200 में कैसे जाऊं, 9-10 बज जाती है, 10 बजने के बाद फिर वो सोचता है कि मैं यहां से गया उदयपुर 20-30 रुपए बिगड़ा, इससे अच्छा तो 200-200 पर मुझे मजदूरी करना को। मतलब हम वहां बकरों की तरह मुर्गों की तरह बोली लगती है हमारी, वहां कितने में आओगे, कितना है रेट करते, भावतोड़ करते आज, पर हम यहाँ पर अनाज पका के लेके जाते बाजार में बेचने, क्या कहता है वो? मक्की पका के, अभी मक्की का सीजन हुआ, मक्की लेके जाओ, क्या कहेगा? 12 रुपए रेट है, देना और देन रिजा लिंग पास। हमारा भाई 3-4 दुकानों में घूमेगा, कोई 12-13 सोचेगा पूरी दौड़ खुटी थे जो जहां टेम्पा बन लेगी हमें भी 1200 चाहिए, और वो 12-13 रुपए में मक्की बेच के आ जाएगा, और वो सेठ जी जिसको पता भी नहीं है कि ये मक्की होती कहां है, किस खेत में लगती है, ये भुट्टा की जगह लगता है, उसको यही नहीं पता है, और वो आपकी रेट तय कर रहा है, और बैठा बैठा फिर वो मक्की महाराष्ट्र बंबई 30 रुपए में बेच रहा है। वहां आज तक इतना समय यहां राज रहा, कृषि मंडी खोली उन लोगों ने,
अगर आज कृषि मंडी लसाड़िया के लोगों का भला चाहते हैं तो कृषि मंडी लगती और कृषि मंडी लग के यहाँ पर रेट तय होती और अच्छी अच्छी रेट मिलती हमको, मिलती नहीं मिलती नहीं हमको तभी बबी रेट चाहिए बस चुनाव में हो बही 500 बस 5 साल तक रहना है पीछे पीछे। हम जब तक हमारे अंदर की कमियां नहीं महसूस करेंगे, ये जो चुनाव है सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं है, ये जो चुनाव है भाषण देने के लिए नहीं है, ये चुनाव है हमारे भाइयों का जमीर जगाने के लिए चुनाव है। ये क्या है? जमीर जगाना हमारे